Happy Republic Day to all. So welcome back to the channel. In this video from the series Before Next Ride, we are going to talk about the saddle bag. कि हम सैडल बैग में क्या क्या ऐसी चीज़ें कैरी कर सकते हैं ऑन अ राइड. दिस सैडल बैग इज क्वाइट स्मॉल इन साइज, बट इसमें हम काफ़ी चीज़ें हैं जो अपनी राइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो चीज़ें हमें जब राइड में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस टाइम काफ़ी यूजफुल होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्ट एनी टाइम. सो हेयर इज़ अ सैडल बैग एंड लेट्स सी कि फर्स्ट थिंग क्या है जो हमें चाहिए होती है ऑन अ राइड. सो हेयर इज़ आर फर्स्ट थिंग, दैट इज़ द मल्टी टूल. दिस मल्टी टूल इज़ रियली यूजफुल. हम इसको राइड में यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम आए. इसमें सारी तरह की कीज़ होती हैं और सारी तरह के जो नट बोल्ट्स हैं वो हम टाइट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस. ये काफ़ी साइजेस में मिलता है और काफ़ी ब्रांड्स का मिलता है. आप इसको बीटवीन का भी परचेज कर सकते हो, आप इसको लोकल मार्केट से भी ले सकते हो. लोकल मार्केट में आपको ये मिलेगा अराउंड 200 रुपीज़ का. ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है. ये अगर हम कभी लॉन्ग राइड में जाएँ तो काफ़ी हमें यूजफुल होता है, क्योंकि अगर लॉन्ग राइड में हो तो हमें जरूरी नहीं कि हर टाइम पर हमें कोई मैकेनिकल मिल जाए. छोटी मोटी जो चीज़ें जैसे कुछ ब्रेक को टाइट करना हो या कोई भी आपका अगर पैडल लूज हो गया हो, काफी ऐसी चीजें हैं जो हम इसको यूज कर हमारी जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं. एंड एज यू कैन सी दिस इज अ क्वाइट स्मॉल इन साइज, तो ये हमें कहीं भी फिट हो जाता है. हम इसको अपनी जर्सी में भी रख सकते हैं, बट अगर हमारे पास एक सैडल बैग हो तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, बिकॉज हमें वो फिर इसका वेट होगा अराउंड 400-300 grams. अगर हम इस वेट को सैडल बैग में यूज़ कर लें उसमें रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारी जर्सी में फिर वेट ज़्यादा हो जाएगा. क्योंकि सैडल बैग का यूज़ यही है टू मिनिमाइज द वेट ऑन आर बैग. हम एक बैकपैक भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी जो हमारी जर्सी पॉकेट्स हैं उसमें भी अपना जो सामान है वो रख सकते हैं. बट हम एक सैडल बैग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम जब भी लॉन्ग राइड्स करते हैं हमें यही प्रॉब्लम आती है कि हमारी बैक में पेन है, हमारे लोअर बैक में स्ट्रेन आ रहा है. तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम एक बैकपैक ना यूज करें, उसकी जगह पे हम एक सैडल बैग यूज करें. सो नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट थिंग, एक्स्ट्रा ट्यूब. हम इसको तब यूज कर सकते हैं अगर हमारी राइड पर कोई पंक्चर हो जाए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ट्यूब होने का ये फायदा है कि हमें पंक्चर नहीं लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली अपनी जो ट्यूब है वो चेंज कर लेंगे. हम जब भी लॉन्ग राइड पर जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम ये अश्योर नहीं हो सकते कि हमें जो ऑन द वे कोई मैकेनिक मिल जाएगा, कोई पंक्चर वाली जगह हमें मिल जाएगी जहाँ पर हम अपना पंक्चर लगा सकेंगे, ऐसा काफी जगह पर नहीं होता. क्योंकि अभी मैं लास्ट वीक ही टिम्बर ट्रेल गया था, कि हम जब भी ऐसी राइड करते हैं तो हाईवे पे कर रहे होते हैं, और हाईवे पे हमें हर जगह ऐसी पॉइंट्स नहीं मिलते जहाँ पर कोई पंक्चर किट हो या कोई ऐसा मैकेनिक हो जो हमें हेल्प कर सके. सो कीपिंग एक्स्ट्रा ट्यूब विल रियली हेल्प यू. सो लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट थिंग, सो दैट इज़ अ पंक्चर किट. यस, दिस इज अ पंक्चर किट. इसके अंदर हमें पैचेस मिलते हैं, उन पे ग्लू ऑलरेडी लगी होती है, और एक रफ सरफेस वाला पेपर मिलता है जिससे हम रफ कर जो हमारा पंक्चर का सरफेस है वो रफ कर सकते हैं. देन वी कैन सिंपली अप्लाई द पैच ऑन द पंक्चर एंड वी आर डन. ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज की है. दिस कम्स फॉर अराउंड 250, और इसमें 8 पैचेज हैं, और वो 8 पैचेज आप 8 टाइम्स यूज कर सकते हो. बट अगर आपके पास एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा ट्यूब हो तो ये चीज यूज करने की काफी जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हमें हर राइड पर, वैसे मैक्सिमम तो नहीं कह सकते कितने पंक्चर होते हैं, पर मोस्टली एक पंक्चर ही होता है. तो अगर आपका एक पंक्चर, आप वो ट्यूब निकाल के इसको ट्यूब को यूज कर सकते हो. बट अगर आपका वो न्यू ट्यूब में भी फिर से पंक्चर हो जाए तो आप ऐसी चीजों को यूज कर सकते हो एंड आप राइड को कंटिन्यू कर सकते हो. सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज अ वॉल अडैप्टर. ये वॉल अडैप्टर सबको नहीं यूज़ करना, जिसके पास स्ट्राडा वॉल है उनको तो यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है. ये एक्चुअली हमारे पास दो टाइप के वॉल्स होते हैं, एक होता है स्ट्राडा, एक होता है प्रेस्टा. प्रेस्टा थोड़े थिन वाले होते हैं जो आपको रोड बाइक्स में देखने को मिलेंगे, स्ट्राडा होते हैं जो नॉर्मल हमारे बाइक्स में, मोटरसाइकिल्स में या फिर साइकिल में नॉर्मल मिलते हैं MTBs में. अगर आपके पास प्रेस्टा वॉल है तो आपको इसको उसके ऊपर अटैच करना होता है, एंड देन आप जो नॉर्मल हमारा पंप होता है उससे हम अपनी जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो अगर आपके पास एक प्रेस्टा वॉल है तो आपको ये जरूर अपने कैरी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कैरी नहीं करोगे ना तो आप जब राइड कर रहे होगे आपका बिल्कुल परफेक्ट है, आपने पंक्चर लगा लिया, आपने ट्यूब चेंज कर ली, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको हवा भरने में काफी मुश्किल होगा. क्योंकि हमारे पास अगर एक हैंड पंप भी हो, जो छोटे वाले पंप होते हैं उनमें कभी कभी ये वाला वॉल अडैप्टर नहीं लगा होता. कभी कईयों में तो लगा होता है, जो आपको बीटवीन से मिलेंगे उनमें ऑलरेडी है, बट कईयों में नहीं होता. तो अगर आपके पास ये हो तो आपको काफी ईजी हो जाता है. सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मनी. यस, सो आप अपनी राइड के जा रहे हो, आपको कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है स्पेयर मनी की. इससे बैग में रख सकते हो, ज़्यादा जगह नहीं रखेगी आपकी, और आपको वैसे भी कोई इमरजेंसी हो या फिर कभी कभी हमें राइड पर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, हमें कुछ परचेज करना हो, खाने को लेना हो, तो हम स्पेयर मनी तो अपने पास रखनी चाहिए. एंड एक और थिंग जो मैंने वैसे लिस्ट में नहीं इंक्लूड की, पर आप कर सकते हो, आप एक छोटे से पेज पर अपना एक इमरजेंसी फ़ोन नंबर, एक आपका ब्लड ग्रुप और आपका एड्रेस घर का, वो लिख कर रख सकते हो, ताकि इन केस अगर कुछ भी
मिसहैप हो तो आपको जो अगर कोई देखे तो वो आपको हेल्प कर सके और आपको सेफली अपनी जगह पर पहुंचा सके। सो दीज वर द एसेंशियल थिंग्स जो आपको अपने सैडल बैग में रखनी है। अगर आपके पास इस टाइप का सैडल बैग है तो मैं अब आपको तीन चीजें और बताऊंगा जो आप इस सैडल बैग में रख सकते हो, क्योंकि मोस्टली सैडल बैग हमें बीटवीन से मिलता है, दैट कम्स फॉर अराउंड 500। उसका साइज इससे छोटा है, आई थिंक इससे हाफ ही है। और ये सैडल बैग मैंने लिया था अमेजोन से, दिस कम्स फॉर अराउंड 700। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये मैंने जनरली परचेज किया था जस्ट क्योंकि मुझे इसका साइज ठीक लगा, क्योंकि सैडल बैग का अगर साइज इतना हो तभी आई थिंक उसका फायदा है, क्योंकि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा सामान रख सकेंगे। इसमें हम अपनी बोतल भी रख सकते हैं। तो हमें कभी कभी क्या होता है, हमारी बाइक्स में बोतल होल्डर का वो स्लॉट नहीं होता, काफी मैंने बाइक्स में देखा है। आपको फिर बोतल होल्डर या तो फ्रंट फोक में लगाना पड़ता है या कहीं और, तो वो ज्यादा सेफ नहीं होता। तो हम इसमें अपनी जो बोतल है वो रख सकते हैं और ना हमें वाटर होल्डर लगाने की जरूरत है, क्योंकि मेरी बाइक में दो बोतल होल्डर ऑलरेडी है। आई कैन कैरी 3 बोटल्स, क्योंकि जब समर होता है तो आपको पता ही हाइड्रेशन कितनी जरूरी है। दो बोटल्स तो बोतल होल्डर में लग जाएंगे और थर्ड वन आई कैन यूज इन दिस वन, तो दिस इज क्वाइट हैंडी। बट अगर आपने बीटवीन का ऑलरेडी परचेज कर लिया है, दैट कम्स फॉर अराउंड 500 एंड 350 आई थिंक, या फिर XMR का भी एक आता है, दैट कम्स फॉर अराउंड 400 to 500, वो भी काफी अच्छी बैग्स है पर उनका साइज छोटा है। तो जो अभी मैंने आपको चीजें बताई है वो तो उसमें फिट हो जाएंगी, बट अगर आपका बैग इस टाइप का है, थोड़ा सा उसका साइज ज्यादा है, तो जो मैं आपको नेक्स्ट तीन चीजें बताने लगा हूं, आप वो कैरी कर सकते हो। सो द नेक्स्ट 3 थिंग्स आर, फर्स्ट इज अ लॉक, साइकिल लॉक। आप साइकिल लॉक वैसे तो अपनी साइकिल में भी अटैच कर सकते हो कहीं पे भी, बट वो थोड़ा देखने में उतना एस्थेटिक नहीं लगता, तो आप अपने जो साइकिल लॉक है उसको अपने सैडल बैग में भी रख सकते हो। मैं तो सैडल बैग में रखता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब भी हम राइड पर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें एक लॉक भी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें कहीं ऐसी जगह जाना होता है जहाँ पर हमें पता है कि हमें अपनी बाइक नहीं खड़ानी है, हमें राइड ही करना है, बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस राइड पर ही हमें कभी कभी बाइक खड़ानी पड़ जाती है। तो आप लॉक उस टाइम पे आपके सैडल बैग में होगा तो यू आर गुड टू गो। द नेक्स्ट थिंग इज अ की। आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको अपने कीज तो लेके जानी पड़ेगी। आप वैसे छोटे बैग में भी रख सकते हो, एंड फ्रॉम दिस आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम पास्ट आई थिंक 4 years। ये मैंने मनाली से लिया था एंड दिस इज़ क्वाइट लक्की फॉर मी। मैं इसको हर राइड पर लेके जाता हूँ, चाहे मेरे को चाहिए हो कीज़ या ना चाहिए हो, मैं फिर भी लेके जाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ लक्की फॉर मी। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कभी कभी हम राइड पर यही भूल जाते हैं क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, अब तो पड़ गई होगी पर काफ़ी लोगों को नहीं है, तो दैट इज़ अ मास्क। हम हमेशा जो अपना बाल कलावा है वो यूज़ कर लेते हैं और राइड कर लेते हैं, बट कभी कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अपना बाल कलावा डालकर नहीं जा सकते। कहीं हम अगर राइड पर रेस्टोरेंट में जाएं तो हम जरूरी नहीं कि बाल कलावा डाल कर जाएँ, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी स्वेटी होता है, तो हम उसकी जगह एक मास्क यूज़ कर सकते हैं। और दिस मास्क इज़ फ्रॉम प्योर मी, आपने शायद वीडियो देख लिया होगा इसका, एंड दिस इज़ क्वाइट यूज़फुल। इसमें फॉग नहीं होता, काफ़ी फीचर्स हैं जो मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। सो गाइस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। दिस वॉज अ शॉर्ट टाइप ऑफ वीडियो जिसमें मैंने फटाफट आपको जो चीज़ें वो याद करवा दी कि यही आप अपनी नेक्स्ट राइड पर ले जाना ताकि आपको अच्छा रहे। और आप सैडल बैग भी एक परचेज कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, क्योंकि सैडल बैग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमें काफ़ी हमारे काम इजी कर देगी। और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इनको राइड पर जरूर कैरी करना, हमें काफ़ी सेफ फील होता है कि हम कभी भी राइड पर जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास पंचर इट है, हम कहीं पर भी चले जाए किसी भी हाईवे पर, सो दीज आर क्वाइट हैंडी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव द थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।